हेलो फ्रेंड्स, और आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताएं। तो अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताएं देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिकी विदेश नीति की प्रमुख विशेषता थी वो थी साम्यवाद का अवरोध या साम्यवाद का विरोध। यानी इवन अमेरिका के जो नेता थे, प्रमुख नेता, उनके शब्दों में सोवियत संघ नाजी खतरे से भी अत्यधिक बड़ा खतरा है। अर्थात जो नाजी हिटलर जिसका उदय हो रहा था उससे भी ज़्यादा वो खतरा किसको मानते थे? USSR, यानी जो वर्तमान रसिया है जिसका पहले नाम USSR था, उसको और उसके साम्यवाद को ये जो है अधिक खतरनाक मानते थे। और किसी भी क्षेत्र में ये साम्यवाद के अवरोध या उसके विरोध को जो है प्राथमिकता देते थे। फिर है सैनिक संधियों की नीति। तो अमेरिका ने साम्यवाद का अवरोध करने के लिए सैनिक संधियों का जो है निर्माण किया, बहुत सारे मैत्री संधि भी किए, जिसमें से कुछ प्रमुख संधियां आप जानते भी हैं, नाटो है, सीटो है, सेंटो है, सेंटो को बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा जो है रियो संधि, तथा साथ ही OAS यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट। और इसके अलावा भी इसने कई सारे जो है संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षर किया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अमेरिका ने मिलकर एंजस समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, अमेरिका की विदेश नीति में किसको प्राथमिकता दी गई, सैनिक संधियों को प्राथमिकता दी गई। तीसरी जो अमेरिका विदेश नीति की विशेषता है वो है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। तो विदेशी आर्थिक सहायता की जो नीति है वो अमेरिकी विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। और इस तरह से इन्होंने कई कार्यक्रम चलाए, जैसे आर्थिक सहायता द्वारा राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर साम्यवाद के खतरे को टालना, आर्थिक और सैनिक सहायता द्वारा विदेशों में पारस्परिक महत्व की सुविधाओं के साथ साथ सैनिक अड्डे और बंदरगाहों आदि का विकास करना, और इस प्रकार से जो है साम्यवाद के प्रसार को रोकना तथा अन्य शत्रु देशों पर नज़र रखना। अगली जो इसकी प्रमुख विशेषता है अमेरिकी विदेश नीति की वो है मानवाधिकारों का समर्थन। तो जो अमेरिका है वो खुद को मानवाधिकारों का बहुत ही बड़ा समर्थक मानता है, वो इसे अपनी विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व या विशेषता भी मानता है। और वहाँ पे एक अलग से इस संगठन की भी स्थापना की गई है जो मानवाधिकारों के संबंध में कार्य करता है। पांचवी जो प्रमुख विशेषता है, लोकतंत्र की बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी विदेश नीति में लोकतंत्र की बहाली को महत्व देता है, लेकिन इसका उद्देश्य जो है पड़ोसी देशों में इसी बहाने वो हस्तक्षेप भी करता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो है वो केवल लोकतंत्र की सफलता चाहता है। तो उसने कई देशों में लोकतंत्र की बहाली के नाम पे जो है हस्तक्षेप किया, डोमिनिक गणराज्य में किया, इसके अलावा हैती में भी जो है इसने हस्तक्षेप किया। तो लोकतंत्र के नाम पे हम देखते हैं कि वो हस्तक्षेप भी करता है। और इसके बाद जो हम इसकी प्रमुख विशेषताएं देख रहे हैं, विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति। तो अमेरिका जो है वो अपने आप को एक महाशक्ति समझता है, और जो विकासशील देश हैं उस पर कहीं ना कहीं वो एक दबाव की नीति बनाए रखना चाहता है, वो उन पर डोमिनेंट स्थापित करना चाहता है। और आप देखते हैं कि भारत को कई बार उसने, अमेरिका ने इतना दबाव बनाया कि भारत जो है क्यूबा को चावल नहीं बेचे, फाइनली भारत नहीं बेचा उस साल। और इसके अलावा जो है भारत पर जो है अमेरिका निरंतर दबाव डालता रहा है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर दे, यानी NPT पर हस्ताक्षर कर दे, CTBT पर हस्ताक्षर कर दे। इवन जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने उस पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। इसके अलावा वो इनडायरेक्टली चीन पर भी वो दबाव की नीति का ही प्रयोग करता है। तो इस प्रकार देखें तो जो उसकी विदेश नीति है तो कहीं ना कहीं डोमिनेंट करती है, वो विकासशील देशों पर अपना दबाव बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अगली जो विशेष नीति है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी। तो हालांकि 21वीं सदी को एशिया प्रशांत की जो है सदी कहा जा रहा है, और अमेरिका के इस क्षेत्र में दिलचस्पी का एक कारण ये भी है कि जो यूरोप जो उसका सबसे जो सर्वप्रथम उसके व्यापार के लिए एक बाज़ार हुआ करता था, अब वो यूरोपीय देश उसके क्या बन गए, एक तरीके से कॉम्पिटिटर बन गए हैं, प्रतिस्पर्धी बन गए हैं। और उसका जो है तो इसीलिए वो क्या चाहता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं वहाँ पे उसकी ज़्यादा जो है दिलचस्पी बढ़ गई है। अगला है आतंकवाद को समर्थन देने वाला देश अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। ऐसी घोषणा अमेरिका के द्वारा की गई जब वर्ष 2001 में एक 9/11 की जो घटना आप पढ़ते हैं, सितंबर में जो है वहाँ पे जो आतंकी हमला किया गया, तब से अमेरिका ने ये घोषणा कर दी कि वो जो है आतंकवाद के किसी भी आतंकवाद को समर्थन करने वाला कोई भी देश अमेरिका का शत्रु देश समझा जाएगा, और अमेरिका ऐसे देशों पे कार्रवाई करेगा। नेक्स्ट जो अमेरिकी विदेश नीति की विशेषता है वो है कि आश्रित एवं उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति। एक तरीके से कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो कह सकते हैं साम्राज्यवाद की नीति इसको कह सकते हैं, जिसको हम नव साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद कहते हैं। तो ऐसे में क्या करता है कि अमेरिका जो है
क्या करता है कि उन्हें पहले क्या करता है, आर्थिक सहायता देता है या सैनिक सहायता किसी प्रकार से दे करके, और फिर वो किसी तरीके से उनको अपना उनको अपने पे निर्भर बना के और उनको आश्रित बना देता है जिससे वो उसके प्रभाव में रहें। इसके अलावा जो अमेरिकी विदेश नीति की जो विशेषता है वो है संरक्षणवादी व्यापार की नीति। तो आप देखते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं शासन में तो वो क्या कहते हैं, वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर ज़्यादा फोकस करते हैं और वो कहते हैं कि अमेरिका खुले बाज़ारों की वैश्विक राजधानी जो है अब नहीं रहेगा, बल्कि वो ज़्यादा संरक्षणवादी जो है व्यवहार व्यवस्था की तरफ अब वो जा भी रहा है। और ट्रंप का नारा ही था कि अमेरिकी फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। तो ऐसे में वो एक वैश्विक व्यापार के बजाय संरक्षणवादी व्यापार को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं जिससे अमेरिका को ज़्यादा फायदा मिले। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अमेरिकी विदेश नीति है वो किस प्रकार से चेंज हो रही है। हमने इनकी मुख्य विशेषताएं देखी, साम्यवाद का ये विरोध करते हैं, सैनिक संधियों की नीति अपनाते हैं जिससे वो साम्यवाद को कंट्रोल कर सकें, और साम्यवाद नहीं है तो भी वो वैश्विक जो सिनेरियो है जो भी देश है उन पर वो अपना डोमिनेंट रखना चाहते हैं, और वैश्विक आर्थिक सहायता की नीति भी ये इसीलिए अपनाते हैं ताकि वो उनको अपने प्रभुत्व में रख सकें। जैसे उनका जो अब क्षेत्र है जो प्रभावित करते हैं, बांग्लादेश में भी वो अपने जो है अड्डे बनाना चाहते हैं, इसके अलावा वो अफ़गानिस्तान में, और मतलब जितना विश्व में जो चारों तरफ जितने मेन मेन आप देख सकते हैं देश, चारों तरफ वो अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। फिलीपींस से लेकर के इनका तुर्की, ईरान, कजाकिस्तान, ठीक है, और जितने भी आप हर एरिया के देश देख लीजिए, वहाँ पे सभी जगह चारों तरफ ये कहीं ना कहीं अपने सैनिक अड्डे या फिर अपना कुछ इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रभाव क्षेत्र बनाए रखना चाहते हैं। मानवाधिकारों का ये अपने आप को बहुत बड़ा समर्थक मानते हैं और इस बहाने भी वो कई बार हस्तक्षेप करते हैं, और लोकतंत्र की बहाली जो है ये भी इनकी विदेश नीति की विशेषता है। साथ ही आपने देखा कि विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति का ये पालन करते हैं। एशिया प्रशांत में 21वीं सदी में इनकी दिलचस्पी बढ़ गई है काफ़ी, और आतंकवाद का ये विरोध करते हैं जब इन पर खुद हमला हुआ तब से, और आश्रित राज्यों की स्थापना की नीति भी ये अपनाते हैं, और संरक्षणवादी व्यापार की जो नीति है अब वर्तमान में ये कुछ ऐसा ही पालन कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे ये वीडियो एकेडमिक यानी 12th BA MA के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी उपयोगी है। धन्यवाद।